सेम थिंग अप्लाइज टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड अगर कल को कोई उनका पिक्चर बना ले तो फिर धीरे धीरे वो डिटोरिएट होते होते कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ये तो हमें पता ही है, स्पेशली इंटरनेट के एरा में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे जल्दी से कमेंट में बताइएगा। एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो वेलकम टू माय चैनल। ऐसी मजेदार रिएक्शंस और नॉलेज डिस्कशंस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है, एक सेकेंड निकाल के अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, वीडियो लाई हूँ जिसमें एक क्वेश्चन है जो मोस्टली नॉन मुस्लिम्स के जहन में बहुत ज्यादा आता है और इसका जवाब एक बहुत ही रिनाउंड हिंदू दबंग बहन ने दिया है जिसको आप भी बाखूबी से जानते होंगे। हर नेम इज प्रज्ञा मिश्रा। यस, हम सबको पता है वो कितनी अच्छी एंकर है और सिर्फ ऐसी एंकर नहीं है जो बिकाऊ मीडिया के भड़काऊ में आ जाए, पर आई रियली फील वो एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन भी है। इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही अहम क्वेश्चन का जवाब दिया है और ये क्वेश्चन है कि क्यों प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी मूर्ति या फोटो नहीं है। और ये वीडियो हम लोग देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना यूट्यूब चैनल से, इसीलिए दोस्तों आई एम तो वेरी मच एक्साइटेड। आई एम श्योर इन्होंने बहुत ही अच्छे से हम लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब तो बता दिया है, इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करती हूँ ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे अपने मुस्लिम और स्पेशली नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स तक जरूर से शेयर करें ताकि उनको भी इस क्वेश्चन का जवाब पता चल सके। चलिए दोस्तों, विदाउट डिले लेट्स वॉच दिस वीडियो। दोस्तों, मुस्लिम धर्म में अल्लाह या पैगंबर मोहम्मद साहब का चित्र या मूर्ति बनाना उनका अपमान समझा जाता है। कहते हैं कि ये बुत परस्ती मतलब मूर्ति पूजा या मूर्ति की इबादत को बढ़ावा देता है। दुनिया के सारे धर्मों में एक सर्वशक्तिमान शक्ति से दुआ मांगी जाती है, प्रार्थना की जाती है, आशीर्वाद मांगा जाता है, लेकिन सबके तरीके अलग अलग हैं। लगभग सारे धर्मों में भगवान के रूप को देखकर उनसे कुछ मांगने का रिवाज है, लेकिन मुस्लिम धर्म में भगवान का मतलब अल्लाह का कोई रूप नहीं है। दोस्तों, कुरान में कुल 114 चैप्टर है, मतलब अध्याय है, जिन्हें सूरा कहा जाता है। हर चैप्टर या सूरे के अंदर छोटे छोटे खंड हैं जिन्हें आयत कहा जाता है, ठीक वैसे जैसे गीता में अध्याय होते हैं, श्लोक होते हैं। पूरी कुरान में कुल 6236 आयतें हैं। कुरान के 42वें सूरे की 42 नंबर आयत में कहा गया है कि अल्लाह ही धरती और स्वर्ग को पैदा करने वाला है, उसकी तस्वीर जैसी कोई चीज़ नहीं है। कुरान में लिखी गई इन बातों के आधार पर इस्लाम के जानकार मतलब निकालते हैं कि अल्लाह को किसी मनुष्य के हाथों से बनाई गई तस्वीर में कैद नहीं किया जा सकता। उनका सौंदर्य इतना ज्यादा है और उनकी महिमा इतनी बड़ी है कि मनुष्य के हाथों इसका चित्रण हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो इसे अल्लाह का अपमान माना जाएगा। कुरान के चैप्टर या सूरे नंबर 21 की आयत नंबर 52 से 54 में भी मूर्ति पूजा को अब्राहम द्वारा गलत बताया गया है। इस आयत का हवाला देते हुए इस्लाम के जानकार मानते हैं कि तस्वीरें बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे सकती है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जो कहा या किया उसे हदीस कहा जाता है और हदीस में भी तस्वीरें बनाने से साफ तौर पर मना किया गया है। मोहम्मद साहब के बाद उन्हें लिखा गया था। इस्लामी परंपरा जीवित प्राणियों की खासकर मनुष्यों की तस्वीर बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाता है। यही कारण है कि भारत के ज्यादातर हाजी आज भी मोबाइल से भी फोटो खींचने से परहेज करते हैं और यही वजह है कि इस्लामी कला ज्यादातर अमूर्त और सजावटी चित्रण की ओर झुकी हुई है। दुनिया भर में बनी मस्जिदों की दीवारें और कुरान के पन्नों पर हमें ज्यामिति पैटर्न के नमूने देखने को मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर इंटरनेट पर पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से जो तस्वीरें पड़ी हैं वो कहाँ से आई? दोस्तों, एडिनबरा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मोना सिद्दीकी मुस्लिम कलाकारों की बनाई मोहम्मद साहब की तस्वीरों के बारे में ये कहती हैं कि ये तस्वीरें मंगोल और ऑटोमन साम्राज्य में बनाई गई थी। इन तस्वीरों में मोहम्मद साहब के चेहरे को बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये साफ है कि ये उन्हीं को दर्शाती हैं। वे कहती हैं कि ये तस्वीरें मोहम्मद साहब के प्रति समर्पण और उनकी ओर प्रेरित होकर के ही बनाई गई थी। ज्यादातर लोगों ने उनकी तस्वीरें उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा की वजह से ही बनाई थी। उनका इरादा बुत परस्ती का बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, मिशिगन यूनिवर्सिटी में इस्लामी कला की प्रोफेसर क्रिस्टियन ग्रुबर के मुताबिक मोहम्मद साहब की काफ़ी तस्वीरें 14वीं सदी की हैं और उस वक्त उन तस्वीरों को निजी तौर पर देखा जा सकता था,
ताकि बुद्ध परस्ती को बढ़ावा ना मिले। ग्रुबर कहती हैं कि 18वीं सदी में बड़े पैमाने पर प्रिंट मीडिया जब पढ़ने लगा तो वो तस्वीरें छपने लगी। मुस्लिम धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया। ग्रुबर कहती हैं कि इस्लामिक जानकारों ने दुनिया को बताया कि इस्लाम धर्म ईसाई धर्म से कितना अलग है। ईसाई धर्म में मूर्ति बनाना, तस्वीर बनाना या पेंटिंग करना बिल्कुल भी मना नहीं है। इसके बाद मोहम्मद साहब की तस्वीरें गायब होने लगती हैं। उनके चित्र या आकृति गढ़ने के खिलाफ एक नई बहस छिड़ गई। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम शोधकर्ता और विद्वान कहते हैं कि शास्त्रीय विद्वानों ने हमेशा से ही मोहम्मद साहब या अल्लाह या दूसरे पैगंबरों की आकृति या किसी भी प्रकार के चित्रण का हमेशा विरोध किया है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है। हिंदू धर्म में भी साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म के दो मत हैं। साकार के उपासक मूर्ति पूजा करते हैं और निराकार मूर्ति पूजा नहीं करते। तो दोस्तों, अगर भारत में कोई पैगंबर मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर बनाता है, किसी तस्वीर को पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर बताता है, तो भारतीय कानून क्या कहता है? दोस्तों, भारत में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है। सभी धर्म के लोग अपने धर्म को अपनी सभ्यता के मुताबिक मान सकते हैं। भारतीय कानून में मोहम्मद साहब की आकृति या तस्वीर बनाने के बारे में कोई अलग से जिक्र नहीं है। इस बारे में कोई भी शिकायत धार्मिक मामलों से संबंधित भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज की जा सकती है। धार्मिक भावनाएं आहत होने, दंगा भड़कने की आशंका आईपीसी की धारा 153A और 153B, 295A और 298 के तहत इस तरह के मामले दर्ज किए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मेरे हिंदू भाई बहन को भी समझ में आ गया होगा कि इस्लाम धर्म में उनके भगवान या इष्ट या अल्लाह या गॉड की कोई तस्वीर क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @ नाम से खोजकर फॉलो आप कर सकते हैं। फॉलो करने का मतलब है कि साथ आएंगे तो सच को और सामर्थ्य मिलेगा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ना तो एक तरफा अंधविरोध ठीक है और ना ही एक तरफा अंधभक्ति ठीक है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको सच जानना चाहिए और सही के साथ खड़े रहना चाहिए। नमस्कार। तो दोस्तों, प्रज्ञा बहन ने बहुत अच्छे से समझा दिया, मुझे लगे एकदम एप्ट, बिकॉज बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स को यही तो सवाल आता रहता है कि हाँ क्या हो गया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वीर बना दिया, या फिर इंटरनेट में भी आजकल देखने को मिलता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ भी, मतलब ऐसा अनाप शनाप कुछ भी बनाया हुआ है। बट एट द सेम टाइम इन्होंने कितने अच्छे से समझाया, प्लस कुरान के आयते के साथ उन्होंने समझाया है लोगों को यार, मतलब प्रॉपर एग्जाम्पल देकर कि क्यों नहीं है। बिकॉज इस्लाम में एक मूर्ति या अल्लाह का कोई आकार नहीं है, बिकॉज अल्लाह इस सबसे ऊपर है। सेम थिंग अप्लाइज टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड अगर कल को कोई उनका पिक्चर बना ले तो फिर धीरे धीरे वो डिटोरिएट होते होते कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, ये तो हमें पता ही है, स्पेशली इंटरनेट के एरा में। बट मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने जैसे एग्जांपल्स से समझाया, बिकॉज बहुत नॉन मुस्लिम्स को अनाप शनाप डाउट्स रहता है कि ये आयात ये कह दे या कुरान के ये सुरा में तो ये लिखा हुआ है, तो तुम मुसलमान लोग कैसे इस पॉइंट को डिफेंड करोगे। बट नॉन मुस्लिम्स ये भूल जाते हैं कि कोई भी आयात या कोई भी लाइन उठा के पढ़ लोगे और फिर कुछ भी अपना थोप दोगे, वर्डिक्ट वो नहीं होता है, आगे पीछे पढ़ना होगा। एंड एट द सेम टाइम वो आयात उस एरा में कैसे रिवील हुआ था, रेवलेशंस कैसे आए थे, वो सब के बारे में डिटेल जानकर ही कुछ बोला जा सकता है। आप भी मानते होंगे ये, है ना। एंड मुझे ये बहन ने जो बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स तक, जिनको भी डाउट्स है तो उनको ये डाउट आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद जरूर से क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करते हुए जाए, कमेंट कीजिए आप लोगों को कैसा लगा, एंड एक सेकेंड निकाल के अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। टाटा बाय बाय।